फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ लेसन प्लान से रिलेटेड है। जैसे कि हम जानते हैं बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, लेसन प्लान कितना इंपॉर्टेंट होता है। चाहे ये रिटेन के लिए हो जाए या आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए हो जाए, सब में लेसन प्लान एक बैकबोन का काम करता है फॉर टीचिंग और या फिर बोल सकते हैं फॉर बीएड। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ कि किस तरह से आप लेसन प्लान बनाएंगे एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट वे में, जो कि सही होगा और जिसमें आपको मार्क्स जो है फुल मिलेंगे। आज का वीडियो जो है हम हिंदी में लेसन प्लान देखेंगे और बहुत जल्द जो है मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि मैं एक बारीक तरीके से आपको बताने वाली हूँ। हर एक छोटी छोटी बातों पे आप लोगों का ध्यान वहाँ पे रखने वाली हूँ, जिससे कि आप भी कोई पॉइंट को मिस आउट ना करें। इसलिए इसको हम लोग हिंदी एंड इंग्लिश में सेपरेट करके ला रहे हैं। तो आज का लेसन प्लान जो है हिंदी में होगा। हर एक छोटी चीजों को देखिएगा। बेनिफिट लेसन प्लान का आप खुद भी जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको अगर एग्जामिनेशन में भी, अगर आपका मेथड पेपर है, चाहे मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, साइकोलॉजी है, आपका एसएसटी है, कुछ भी है आपका मेथड पेपर, उसमें एक क्वेश्चन जो है लेसन प्लान से रहता ही है, वो भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन में रहता है। तो उसमें अप्रोप्रिएटली आपको जो है वो लेसन प्लान बनाना रहता है। तो ये उस तरह से रिटेन में भी इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर आपको जब फाइलिंग बनानी रहती है, आपको फाइल बनाना रहता है प्रैक्टिकल के लिए, उसमें भी आपको मेथड पेपर में लेसन प्लान का ही फाइल बनाना रहता है। 5 से 6, कहीं कहीं पे 10 भी लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। तो ये दोनों अगर तरह से देखें, प्रैक्टिकल से भी और रिटेन से भी, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम आज डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे शाम को चलता है एंड बीएड सेकेंड ईयर का क्लास जो है वो इवनिंग में अब 7 बजे से चलेगा, जो कि हम लोग मंडे से स्टार्ट करें, कल से आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरी बात ये पेड क्लास की बता दूं, तो पेड क्लास जो है हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अवध यूनिवर्सिटी का जो है 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है। तो प्लीज़ जिनको भी पेड क्लास चाहिए, जिन भी यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, जिससे कि आपके यूनिवर्सिटी का भी पेड क्लास स्टार्ट हो सके। चलिए देखते हैं वीडियो। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा पाठ योजना बीएड स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी में है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पाठ योजना में सबसे पहले हम हिंदी हो या इंग्लिश हो, पाठ योजना लिखेंगे। एक लिखा हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक नंबर है इसलिए एक लिखा हुआ, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ पाठ योजना लिख सकते हैं। विद्यालय का नाम, जिस स्कूल से आप ये कर रहे हो विद्यालय का नाम वहाँ पे लिखना है। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, तो यहाँ पे आप लोग को अपना नाम डालना है। फिर उसके बाद से डेट डालना होता है, तो जो आज का डेट है, जैसे कि आज जो है 21 नवंबर है, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। कक्षा 8th के लिए ये लाया गया है, तो यहाँ पे 8 डाला गया है। सब्जेक्ट जो है विज्ञान है, साइंस। उप सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट में भी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं टॉपिक वो किस से है, तो जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से रिलेटेड है। अवधि जो है 40 मिनट है, 35 मिनट भी कहीं कहीं होता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, या 45 मिनट्स भी होता है। चक्र मतलब कि पीरियड, कौन सा पीरियड है, तो प्रथम पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है, आप कोई भी पीरियड लिख सकते हैं। प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, तो टॉपिक हम जो पढ़ाने जा रहे हैं इस चैप्टर में वो है कोशिका, वो आपको क्लियर करना है। यहाँ तक ये प्रोसेस है, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ाएं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ तक आपको फॉलो करना ही करना है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड में फिर उसके बाद प्रकरण यहाँ देख रहे हैं आपको लिखा हुआ है, उसके बाद हम उद्देश्य में आते हैं, ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य में दो तरह के उद्देश्य को दिखाना होता है। एक उद्देश्य को अगर आप दिखा रहे हैं तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, मैं बता दूं। आपको दो तरह के उद्देश्य को दिखाना, एक सामान्य उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। विशिष्ट उद्देश्य में भी बहुत सारे उद्देश्य आते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी। सामान्य उद्देश्य जो जनरल ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव में देखिए यहाँ पे 5 दिया गया है, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, इस तरह से 5 आप लोग को लिखना है। आप 4 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जनरल एंड स्पेसिफिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं विशिष्ट। विशिष्ट में आप लोगों को 3 तरह के उद्देश्य बताए जाएंगे, ज्ञानात्मक है, आगे जाके हम भावात्मक देखेंगे, तो इस तरह से और भी उद्देश्य है। जो विशिष्ट के अंदर 3 उद्देश्य आएंगे, विशिष्ट दैट मीन्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, मतलब कि इसका
कॉग्निटिव बच्चों का जो है क्या डेवलप होगा इस टॉपिक को पढ़ने से। तो यहाँ पे होगा छात्र कोशिका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, फिर है छात्र कोशिका के प्रकारों को जान सकेंगे, ज्ञानात्मक में ये इनका डेवलप होगा। अब आइए देखते हैं भावात्मक में क्या डेवलप होगा। भावात्मक में इनका होगा छात्र कोशिका को समझ सकेंगे, मतलब कि अटैचमेंट होगा कोशिका से, कोशिका के बारे में ज़्यादा जानेंगे तो उससे अटैचमेंट होता ही, एक फीलिंग्स डेवलप होती है तो वो होगा। फिर उसके बाद है छात्र कोशिका की व्याख्या कर सकेंगे, जब उसके बारे में जानेंगे और इमोशनल अटैच होंगे तो डेफिनेटली उसके बारे में खुद से भी वो डील और एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये हुआ भावात्मक। थर्ड हमारा है क्रियात्मक, मतलब प्रैक्टिकल वे में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो इसमें होगा छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे, प्रैक्टिकली वो प्रयोग कर पाएंगे, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट जो करना होता है वो कर पाएंगे। तो ये तीन विशिष्ट उद्देश्य में आते हैं, इसको आपको क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट आता है सहायक सामग्री, सहायक सामग्री दैट मीन्स टीचिंग एड्स। जब हम करते हैं क्लास तो उसमें हमको टीचिंग एड की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे टीचिंग को और एनहेंस करे। तो इसमें क्या क्या है, एक इसमें एक चार्ट का प्रस्तुतिकरण हो रहा है, चार्ट जो है प्रेजेंट कर रहा किया जा रहा है। तो ये आपको पिक्चर कोशिका का बना करके एक चार्ट दिखाया जाएगा, यहाँ पे आप बहुत सारे टीचिंग एड ले सकते हैं। हो सकता है आप टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसको भी टीचिंग एड बना सकते हैं, कोई वीडियो, कोई आप छोटा सा जो है पिक्चर्स ले रहे हैं टेक्निकल वे में, आप लैपटॉप को यूज कर रहे हो, आप जो है स्मार्ट बोर्ड को यूज कर रहे हो, तो वो सब चीजें आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है पूर्व ज्ञान, जिसको हम लोग प्रीवियस नॉलेज बोलते हैं, बच्चों का जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो है पहले का नॉलेज। अब एट्थ क्लास को पढ़ाने जा रहे हो तो सेवेंथ क्लास में जो कोशिका से रिलेटेड उन लोगों को समझना चाहिए, उनका उनके पास नॉलेज होना चाहिए, तो पूर्व ज्ञान होना चाहिए। पूर्व ज्ञान में क्या होना चाहिए उनके पास, वो लिखा है छात्र कोशिका के बारे में कुछ जानकारी रखते हो, मतलब कि कोशिका से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको पता होनी चाहिए। ये हुआ पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज इंग्लिश में बोलते हैं। फिर आइए अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि क्लास में आप गए और डायरेक्टली जो है टॉपिक बता दिए और क्लास स्टार्ट कर दिए, जी नहीं, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, उस क्वेश्चन के बेस पे बच्चे जो है खुद से आपके टॉपिक को वो आप समझ जाएंगे, आपके आपको हिंट देना है, एक्चुअली में आप बोले तो आपको हिंट देना है जिससे कि बच्चों को समझ में आ जाए कि आप किस टॉपिक को पढ़ाने वाले हो। तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न जो है अलग से लिखा जाता है, इस तरह से कॉलम बना के आपको लिखना है। छात्राध्यापिका क्रिया, मतलब कि जो टीचर का टीचर्स एक्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी होता है, एज्यूम्ड रहता है कि स्टूडेंट्स ऐसे ही एक्टिविटी करेंगे, तो इसको लिखते हैं एज्यूम्ड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है भाई, आप फैमिलियर हो रहे हो स्टूडेंट से तो वो क्वेश्चन करोगे, तो ऑफ कोर्स हर एक स्टूडेंट जानता है तो वो आपसे फैमिलियर होगा और आंसर भी देगा और एक्टिव होगा। तो विद्यालय में दूसरा क्वेश्चन है विद्यालय के निर्माण किन चीजों से मिलकर होता है, ईंट, सीमेंट, ये सब आपके साथ फैमिलियर हो रहे हैं स्टूडेंट, आप ऐसा क्वेश्चन करोगे स्टूडेंट्स आपको समझे और आपको आंसर दे, आपकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो। इसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है, तो आप बच्चे आंसर दे देंगे क्योंकि उनको थोड़ा सा नॉलेज तो कोशिका के बारे में होगा ही, तो उनको जब सेवन्थ क्लास में ये तो बताया ही गया होगा कि हमारा शरीर जो है, हमारी जो बॉडी है वो कोशिका से बनी है, तो यहाँ पे आंसर बच्चे देंगे कोशिका, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को पता चल गया कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कोशिका। फिर यहाँ पर आप फोर्थ नंबर में क्वेश्चन पूछोगे कोशिका क्या होती है, तो यहाँ पर बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे कि ज़्यादा डिटेलिंग में उनको पता नहीं है, तो ये इसको बोलते हैं समस्यात्मक क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ से प्रॉब्लम है बच्चों को तो यही हमें पढ़ाना है। अब आइए यहाँ पे उद्देश्य कथन में, उद्देश्य कथन में क्या है, उद्देश्य कथन में आप बच्चों को बताएंगे कि हम लोग कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक डिटेल में जो है स्टडी करेंगे, ये हो गया। फिर आइए आगे देखते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण, पाठ प्रस्तुतिकरण में ये आपको कॉलम बनाना है इस तरह से, एकदम ध्यान से आप बनाइएगा। शिक्षण बिंदु, कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हो वो टॉपिक एक होना चाहिए। छात्राध्यापिका क्रिया दैट मीन्स टीचर्स एक्टिविटी, फिर है स्टूडेंट्स जो है एज्यूम्ड, मैं बता रही थी आपको स्टूडेंट्स एज्यूम्ड एक्टिविटी, ये होगा। श्याम पट कार्य, मतलब कि ब्लैक बोर्ड का आप जो यूज करें वो ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पे शिक्षण विधियाँ, आप कौन सी टीचिंग मेथड यूज कर रहे हो, जैसे कि लेक्चर मेथड होता है, क्वेश्चन आंसर मेथड होता है, तो आप कौन सा यूज कर रहे हो
वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे आपको बताना होगा। तो सबसे नंबर वन, शिक्षण बिंदु वन में आप विकासात्मक प्रश्न यानी कि डेवलप करेंगे अपने टीचिंग को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा, हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है। बच्चों का आंसर आएगा कोशिका, उनको नॉलेज है इसके बारे में। आप इस पे अपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दोगे कोशिका, वही आपका क्योंकि चैप्टर है, वही आपका जो है टॉपिक है, प्रकरण है, तो आप लिख दोगे। यहाँ पे कौन सी विधि आपने यूज की, तो प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर विधि है। आपने क्वेश्चन किया, स्टूडेंट्स ने आंसर किया। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा, प्रश्न टू जो रहेगा, कोशिका की खोज किसने की थी। बच्चे मौन हो जाएंगे, वो आंसर नहीं दे पाएंगे। कोशिका और कोशिका जीव की व्याख्या अब आप जो है स्पष्टीकरण करेंगे, आप इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्योंकि बच्चों को अब नॉलेज नहीं है। अब आपका यहाँ से क्लास प्रेजेंटेशन जो बोले वो स्टार्ट होगा, तो यहाँ से आप बताएंगे बच्चों कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और छात्र जो है स्टूडेंट जो है ध्यानपूर्वक समझेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं व्याख्यान विधि, दैट मीन्स लेक्चर मेथड। यहाँ पे आप उनको समझा रहे, स्पष्ट करें, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको करनी है। अब यहाँ पे आप स्पष्टीकरण पूरा देंगे कि कोशिका क्या होता है, छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे, सीखेंगे, और आपने लेक्चर मेथड यूज़ किया है। फिर उसके बाद से और भी आप एक्सप्लेन करते जा रहे हो, इसमें एक्सप्लेन करके आप बताओगे कि ये किसने किया है। आपने क्वेश्चन पूछा था तो वो आंसर नहीं दे पाया, तो आप बताओगे रॉबर्ट हुक ने किया है, 1665 में किया है, किस तरह से किया है, वो सब कुछ है। तो यहाँ पे आपने समझा दिया, यहाँ पे स्पष्टीकरण विधि हो गई, छात्र सुन रहे हैं आपको, ये भी हो रहा है। अब बोध प्रश्न क्या होता है, हर एक टॉपिक, हर एक जो है सब टॉपिक, सब कंटेंट खत्म करने के बाद आप बच्चों से क्वेश्चन करोगे, जिससे कि पता चलेगा कि वो आपके साथ इंटरेक्शन में है या नहीं। तो यहाँ पे आप समझाने के बाद बच्चों से बोध प्रश्न का मतलब होता है उनसे आपको उन्होंने ध्यान दिया है या नहीं ये पता करने के लिए क्वेश्चन करना। तो यहाँ पे करोगे कोशिका की खोज किसने की थी, अब आपने बता दिया है तो बच्चे आंसर देंगे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक आपने आंसर देंगे, बच्चे आंसर देंगे, प्रश्नोत्तर विधि में होगा ये। फिर कोशिका का विधिवत अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान आप भी बोलेंगे, स्टूडेंट्स भी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि यूज हो रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए, आपको इतना करने के बाद जो ब्लैक बोर्ड पे आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बोलते जा रहे हो, ब्लैक बोर्ड का भी काम कर रहे हो ना, तो ब्लैक बोर्ड का आप पिक्चर लेकर के उसको अपने लेसन प्लान की कॉपी में पेस्ट करना पड़ता है। तो ये आपको पेस्ट करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा अपने लेसन प्लान की कॉपी में, और ये जो चीज़ें आप बोल रहे हैं वही आपके ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ब्लैक बोर्ड तो होगा नहीं, तो ब्लैक कलर का जो चार्ट पेपर आता है उसमें आप लिख करके सब कुछ और उसके बाद उसको पेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ये पेस्ट करना पड़ेगा, इससे मार्क्स अच्छे आते हैं। उसके बाद से मूल्यांकन प्रश्न आता है, इवेल्युएशन क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, इसमें ये सारे क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे बच्चों से, और क्योंकि आपने समझाया है तो बच्चे आंसर जरूर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है, फिर लास्ट हमारा आता है गृह कार्य, होमवर्क देना। आप होमवर्क दे दोगे, कोशिका को परिभाषित कीजिए, कोशिका के उदाहरण से समझाइए, ये सारी चीजें आप होमवर्क दे दोगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स बनता है लेसन प्लान, और इसी बेस पे आप अपने अलग अलग टॉपिक पे जो है लेसन प्लान बना सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो। एक्चुअली मेरे ख्याल से तो बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने ध्यान से और इतना डिटेल में अगर आपको पता चल जाए तो आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो। तो बहुत जल्द आप अपना अपना लेसन प्लान बनाइए और एक मुझे भी सेंड कीजिए, मैं भी देखूँ कि आप लोग किस तरह से अपना अपना लेसन प्लान बनाते हो। लेकिन अगर कोई दिक्कत है आपको, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।